पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक आईएएस अधिकारी ने आईपीएस प्रेमिका से शादी कर वैलेंटाइन डे को यादगार बना दिया। आईएएस तुषार सिंगला 2015 बैच के बंगाल कैडर के अफसर हैं। उन्होंने आईपीएस नवजोत सिम्मी से शादी की है। वहीं सिम्मी बिहार कैडर की 2018 बैच की आईपीएस हैं। सिम्मी अभी एएसपी के तौर पर पटना में तैनात हैं। दोनों अधिकारी पंजाब के रहने वाले हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद दोनों अपने करीबियों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध गए। फॉर्मल कपड़ों में सिम्मी के साथ नजर आ रहे तुषार हैंडसम दिख रहे हैं, तो वहीं सिम्मी भी लाल साड़ी में खूबसूरत नजर आ रही थी। तुषार की शादी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दफ्तर में ही शादी को लेकर पंजीकरण संबंधी औपचारिकता को पूरा किया। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ये जोड़ा पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पहुंच गया। जब नियम कायदों को लेकर राज्य मंत्री और हावड़ा जिले के अध्यक्ष अरूप राय से सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रजिस्ट्री के जरिए शादी करना भी एक कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए इसे लेकर कोई विवाद नहीं है कि सरकारी दफ्तर में शादी हुई है। दोनों लोगों ने पंजीकरण के दस्तावेजों पर सिग्नेचर किया है। साथ ही सरकारी दफ्तर में किसी भोज का आयोजन नहीं किया गया था। इस स्थिति में विवाद का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। शायद वह ड्यूटी पर थे, जिसकी वजह से उन्होंने कार्यालय में यह किया। इन दोनों ने शादी करने के लिए सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कोई उत्सव नहीं हुआ, इसलिए मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। न्यूज़ डेस्क।